गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नैतिक शिक्षा की क्लास में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। कल हमने सेवन्थ लेसन को किया था, आज हम लेसन एट को करेंगे, पार्ट आठ को करेंगे। सत्संग का महत्व, जीवन के अंदर सत्संग का क्या महत्व है, इसका पहला क्वेश्चन है। सत्संग का क्या अभिप्राय है, सत्संग का क्या अभिप्राय है? सज्जन व्यक्तियों के साथ संग करना, मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा, सज्जन व्यक्तियों के साथ संग करना, मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। दूसरा प्रश्न, संग का, संग यहाँ पर दोस्ती भी कह सकते हैं हम, संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारे बच्चों, एक कहावत भी है, जैसा किया संग वैसा हो गया रंग, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ऐसे ही जैसे हमारे आसपास दोस्त रहेंगे, हमारे संगी साथी रहेंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। दोस्त अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हो जाएंगे। दोस्त बुरे होंगे, वो बुरा कार्य करेंगे, हम भी बुरा कार्य करेंगे। इसीलिए कहा गया है, जैसे हमारे साथियों का आचरण होगा, हमारा आचरण भी वैसा ही होने लगेगा। यहाँ पर पूर्ण विराम डाल सकते हो प्यारे बच्चों, उनके गुण दोष अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही इसके अंदर कहा गया, जैसा हमारे साथियों का आचरण होगा, हमारा आचरण भी वैसा ही होने लगेगा, उनके गुण दोष अपने गुण दोष बनने लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करो। बेटा, जल की बूंद का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, जल की बूंद यदि गर्म तवे पर डल जाए तो वो वाष्प बन जाती है, हवा में मिल जाती है। जल की बूंद यदि सीप के अंदर डल जाए तो वो मोती बन जाती है, और जल यदि कहीं जहर के अंदर मिल जाए, बूंद गिर जाए तो वो जहर बन जाती है। तो अनेकों प्रकार के वो कार्य हैं जल की बूंद का। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पड़ने पर नष्ट, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद जब सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, उसी प्रकार नीच, नीच यहाँ पर वर्ड है बुरे व्यक्ति, पापी व्यक्ति, बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर नीच का शब्द है। नीच की संगति, बुरे दोस्तों की संगति हमें बर्बाद कर देती है, और अच्छी संगति व्यक्तित्व को निखारती है, और महापुरुषों की संगति से अनमोल रतन बन जाते हैं। यहाँ पर बेटा रतन, यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक है, रतन को आधा त कर लेना यहाँ पर, क्योंकि रतन तो पूरा वर्ड है। रतन हमें चाहिए हीरा जो जवाहरात से है, तो आप रतन पर यहाँ आधा त कर लेना, रत्न बन जाएगा, रतन बन जाते हैं। एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, उसी प्रकार नीच की संगति बर्बाद कर देती है, अच्छी संगति व्यक्तित्व निखारती है, और महापुरुषों की संगति अनमोल रत्न बना देती है। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, या आधा त कर लेना, आधा त, रत्न चाहिए हीरे जवाहरात की तरह, इतनी वैल्यू बन जाती है महापुरुषों की संगति। कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करो। कबीर ने कहा है, सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास रहने के समान है। यदि गंदी अपना इत्र फुलेल
आदि कुछ भी न दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा वैकुंठवास है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये काम है का आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ, उदाहरण भी देता हूँ। आप कभी अपने बाग बगीचे में जाना या आपके घर में कोई फूल का पौधा लगा हुआ है, आप थोड़ी देर फूल को तोड़ना मत, उसको दोनों हाथों से उस फूल को बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए बस, और उसके बाद उसको फूल को छोड़ देना और फिर आ जाना। अब जब तक आप अपने हाथ धोएंगे नहीं, तब तक वो फूल की सुगंध आपके हाथों के अंदर आ गई और वो जाएगी नहीं। इसी प्रकार अच्छे व्यक्तियों की संगति होती है, वो हमेशा साथ ही रहती है। यहाँ पर इस बताया गया गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। क्योंकि प्यारे बच्चों, बिन सत्संग विवेक न हुई, विवेक का मतलब होता है बुद्धि। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे बुद्धि नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी तो भले बुरे की पहचान नहीं होगी। यही इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। बस छोटी सी वीडियो है क्वेश्चन आंसर की, मैंने कंप्लीट कर दी है और अभी आप इनको वीडियो देख के लिख लेना प्यारे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। और आप जब भी कभी कोई चैप्टर का, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर पीडीएफ फाइल डाल दो, तो प्यारे बच्चों कोई भी बच्चा हो, किसी भी डीएवी स्कूल का बच्चा हो, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके पास लिंक आएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अपने कक्षा को देख के पार्ट वन से लेके जितने भी चैप्टर हैं आपकी डीएस के अंदर, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।